सबसे पहले आपको पिक्सा लैब एप्लीकेशन ओपन करना है, ये आप लोगों को प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस ये प्रोजेक्ट है, इसे यहाँ डिलीट के बटन पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। फिर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है और आपको एक तितली वाली PNG को ऐड करना है, ठीक है। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम तितली वाले PNG को ऐड, PNG को लाने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इसके साइज को इस तरह से बड़ा कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है और आप जो भी फ़ोटो से बनाना चाहते हैं उस फ़ोटो को लाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम उस फ़ोटो को लाते हैं। फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपसे अब राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तितली वाले PNG में अच्छी तरह से फ़ोटो को एडजस्ट करना है, इसे छोटा बड़ा करके, ठीक है। फिर राइट क्लिक कर देना है, फिर इसी को इस तरह से बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद आपको इनर शैडो लिखा हुआ इस पर क्लिक करना है, इसे इनेबल करना है और यहाँ से इसे रेड कर लेना है और अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फिर राइट क्लिक करिएगा, फिर शैडो पर जाइएगा और इसी तरह से इसे इनेबल करिएगा। जो भी कलर आपको लगाना है ब्लैक कर लीजिएगा और इस तरह से कर लीजिएगा। फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करना है और ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा है सेव एस इमेज, इस पर क्लिक करना है और आपको सेव टू गैलरी कर लेना, ठीक है। ये PNG आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। फिर यहाँ से बीच से कट कर देना है। फिर आपको दोस्तों काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है, ठीक है। चलिए हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 16:9 रेशियो का प्रोजेक्ट ले लेना है। फिर आपको मीडिया पर क्लिक करना है और जो फ़ोटो वहाँ पर बनाए थे उसी फ़ोटो को लाना है, ठीक है। तो चलिए हम लाते हैं। फ़ोटो को लाने के बाद इसके टाइमिंग को इस तरह से खींच कर बड़ा कर देना है, ठीक है। बड़ा करने के बाद कलर एडजस्टमेंट में जाना है और इस तरह से कलर लगा लेना है, इस तरह से, ठीक है। फिर बैक जाना है, बैक जाने के बाद आपको फिर से मैग्निटी को इसके ऑन कर लेना है। फिर राइट क्लिक कर देना है, फिर शुरू में चले आना है, लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पर क्लिक करना है और ये बेसिक इफेक्ट्स पर क्लिक करना है और गॉसियन ब्लर है इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और इसे इस तरह से खींचकर बड़ा कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करना है और ये यहाँ से 3 कर लेना, ठीक है। फिर राइट क्लिक करना है, इससे भी खींचकर वीडियो के लास्ट तक कर देना, ठीक है। फिर राइट क्लिक करना है, फिर आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो लाना है। उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ग्रीन स्क्रीन वीडियो लाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसे फुल स्क्रीन करना है। फिर बैक चले जाना है, बैक जाने के बाद आपको फिर से क्रोमा की का ऑप्शन पर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है, इसे इनेबल कर लेना है, ग्रीन पार्ट हट जाएगा। फिर बैक जाना है, फिर नीचे आपको जाना है, यहाँ से कलर एडजस्टमेंट पर इसके कलर को इस तरह से बढ़ा लीजिएगा। फिर राइट क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर फोटो पर क्लिक करना है, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना और इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, फोटो का डुप्लीकेट। फिर आपको इस फोटो पर सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद फिर से क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाना है, मास्क को इनेबल करना है, शेप राउंड रन है लेना है, ठीक है। और फोटो को इस तरह से क्रॉप कर लीजिएगा, ठीक है। क्रॉप करने के बाद फिर से फेदर को इस तरह से बढ़ा लीजिएगा, फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा। ये जो फोटो है दोस्तों, ये गोल वाली फ्रेम में इस तरह से ऐड कर देना है, ठीक है, इस तरह से कर देना। फिर राइट क्लिक कर देना है, फिर इसी फोटो पर क्लिक करना है और इसे कलर अगर लगाना चाहते हो तो लगा लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा, आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और जो तितली वाला PNG ऐड किए बनाए थे पिक्सल लैब में उसे लाना है, ठीक है। तो चलिए हम लाते हैं यहाँ पर क्लिक करके। तितली वाले PNG को लाने के बाद आपको इसे खींच कर इधर कर देना है, ठीक है, इसे इस तरह से थोड़ा सा अपना। फिर आपको इसके टाइमिंग को खींच कर इस तरह से बड़ा कर देना है। फिर जो फर्स्ट वाला फ़ोटो है उस पर क्लिक करना है, कलर एडजस्टमेंट पे जाना है और इसे थोड़ा सा हल्का कम कर लेना है इस तरह से, ठीक है। फिर राइट क्लिक करना है और ये तितली वाला PNG है उस पर आपको क्लिक करना है और कलर एडजस्टमेंट पे जाना है, इस तरह से इसे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपका वीडियो बनकर तैयार हो चुका है, चलिए एक बार प्ले करके देख लेते हैं। दोस्तों एक और यहाँ पे ग्रीन ये लाइट वाली वीडियो लगाना है, ठीक है। तो लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है और लाइट वाली वीडियो को लाना, ठीक है। लाइट वाली वीडियो को लाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना और इसे फुल स्क्रीन करना है। फिर आपको बैक चले जाना है, बैक जाने के बाद फिर से नीचे वाले ब्लेंडिंग ऑप्शन पर जाना है और इसे स्क्रीन कर लेना है, फिर राइट क्लिक कर देना है। अब दोस्तों फाइनली आपका वीडियो बनकर तैयार हो चुका है, एक बार प्ले करके देख लेते हैं। दोस्तों अब इसे सेव करना है तो शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने साइज को सिलेक्ट करिएगा, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा।